हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी यमी क्रीमी टोस्ट की, और इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत कम समय लेते हैं बनने में। हमें इसे बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसमें यूज़ करेंगे 2 कैप्सिकम, 3 छोटी कैरेट, 3 छोटे अनियन और 5 ग्रीन चिली। और मैं यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम 1 कप सूजी यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि खाली बर्तन में हम अपने वेजिटेबल्स डाल देंगे। और उसमें हम धनिया भी ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें वैसे 1 कप डालना है, पहले 1/2 कप डाल के हम इसमें मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ, और जो बचा हुआ कप होगा हम उसमें बाद में ऐड करेंगे वेजिटेबल्स में, बाद में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 कप फ्रेश मिल्क क्रीम। उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी वेजिटेबल्स के साथ। और यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच से ऊपर नमक ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और मुझे ये थोड़ा स्पाइसी बनाना था, इसीलिए हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आपको सिर्फ ग्रीन मिर्ची ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और फिर डालेंगे हम ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा। और फिर डालेंगे हम 1/2 कप दूध। मिक्स करना है। और इसके बाद क्या होगा कि जब आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक है, ज़्यादा थिक है, कि आपके ब्रश पे अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा मिल्क और ऐड कर देंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी है जो अच्छी हो जाए जैसे हमें चाहिए। और जो बचा हुआ दूध था 1/2 ग्लास हम वो भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आप कोई अगर मसाला ऐड करना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि तवे को गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे, और घी लगा लेंगे, देसी घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ब्रेड पे अपना जो बैटर बनाया उसको स्प्रेड करेंगे, इवनली स्प्रेड करना है। और स्प्रेड करने के बाद हम इसको तवे पे रख देंगे और साइड पे हम लगा देंगे घी। इसको तब तक हमें बनाना है, मतलब सेकना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ब्राउन। दूसरी साइड पे भी हम सेम बैटर वैसे ही लगा देंगे अच्छे से इवनली। और हमारा टोस्ट बन के रेडी है। आप इसको गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चिली सॉस के साथ, और अगर चाहे तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय।